नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उत्तर भारत में जब बर्फ गिरती है तो उसका असर मध्य भारत में भी पड़ता है। सर्दी के दिनों में राजस्थान में जनजीवन प्रभावित हो जाता है। इंसान तो कई तरह के जतन करके सर्दी से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन कई बेजुबान मारे जाते हैं। आजकल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठिठुरन से बचने के लिए लोग सुबह शाम अलाव जलाते हैं। देहाती इलाकों में गाँवों के लोग चौराहों व मोहल्लों पर अलाव तापते नजर आते हैं। अलाव तापते तापते चर्चाएं भी कर लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें भीलवाड़ा जिले के कोशीथल बस स्टैंड की है। यहाँ सूखे हुए पेड़ का एक बहुत बड़ा तना जलाकर लोग ताप रहे हैं। अमरचंद माली की चाय की होटल के पास लगाए गए इस अलाव पर न केवल इंसान बल्कि गायें भी तापने आती है। जी हाँ, सुनने में जरूर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। रोजाना सुबह जैसे ही अलाव जलाया जाता है, गायें भी गर्मी लेने के लिए अलाव के चारों ओर खड़ी हो जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अलाव के चारों ओर गायें खड़ी है। आज इनकी संख्या जरूर कम है, लेकिन रोजाना इनसे ज्यादा रहती है। अलाव तापने वाले श्यामलाल सुथार ने बताया कि आमतौर पर यहाँ गायों की संख्या अधिक रहती है। अयूब मोहम्मद बताते हैं कि लोग जैसे ही आग जलाकर अलाव के चारों ओर खड़े होते हैं, वैसे ही गायें उनके बीच में आकर खड़ी हो जाती है। न गायों को लोगों से डर लगता है और न ही लोगों को गायों से कोई डर है। गांव के कई लोग सुबह 5:30 बजे ही यहां आ जाते हैं। सूरज निकलने तक अलाव तापने का सिलसिला जारी रहता है। लोग इस बड़े अलाव के चारों ओर खड़े होकर गर्मी लेते रहते हैं। वहीं लकड़ी की आग और अमरचंद माली की चाय की चुस्कियों के साथ पंचायत राज चुनाव की चर्चाएं भी फील वक्त यहां आम है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। प्रथम चरण में आज कई जिलों में ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव होंगे। कोशीथल गांव में विख्यात समाज सेवी स्वर्गीय मोहनलाल ठेकेदार के पुत्र नौरतन सालवी को निर्विरोध सरपंच बना दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ 15 वार्ड है। वार्ड संख्या 3 व 4 में निर्विरोध वार्ड पंच बना दिए गए हैं। अब 22 जनवरी को यहाँ 13 वार्डों के वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव होंगे। अलाव तापते हुए लोग वार्ड पंचों की ही बातें कर रहे हैं। अलाव तापते लोगों ने बताया कि अब तो सरपंच नौरतन सालवी गांव के मतदाताओं को जिन वार्ड पंच उम्मीदवारों को वोट की अपील करेंगे, वही उम्मीदवार वार्ड पंच का चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तो आधी जीत हुई है। जब तक सरपंच के पक्ष में 8 उम्मीदवार जीत कर नहीं आ जाते हैं, तब तक ग्राम पंचायत के बोर्ड का मजा नहीं आएगा। लोगों की बात भी सही है। ग्राम पंचायत के सफल संचालन के लिए उप सरपंच पद पर नौरतन सालवी के पक्ष के वार्ड पंच का बैठना जरूरी है। सरपंच नौरतन सालवी को हर्षवर्धन सिंह चुंडावत का साथ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत में उप सरपंच के लिए बहुमत सिद्ध कर लेंगे। ये तो अलाव की बातें हैं। अलगाव की बातें पर्दे के पीछे जारी है। अलाव पर इंसानों व गायों का संगम हर रोज बन रहा है। अब देखना ये होगा कि इनकी ही तरह सरपंच नौरतन सालवी व हरवर्धन सिंह चुंडावत उप सरपंच के लिए वार्ड पंचों का संगम बना पाते हैं या नहीं। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम चल रहा होगा 10 दिन से। गायें भी पास में आके डरती नहीं? गायें तो डेली गायें का काम तो डेली है हमारे। तब लगाते ही पहले गायें पहले आ जाती है, क्योंकि उसको ठंड लगती है पहले वो आती है। मारो नाम तो लादू लाल कीर है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें,
इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।